हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर एक शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए बी सी इस काम को 20, 24 तथा 30 दिन में करते हैं। यानी ए बी सी है जो ए है 24 दिन ले रहा है, बी है 24 दिन ले रहा है तथा सी है जो 30 दिन ले रहा है। तीनों ने एक साथ होने का कारण प्रारंभ किया और तीनों क्या होता है एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। चार दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो चार दिन बाद ए है जो कार्य छोड़ देता है तथा कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ देता है, तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब भी देखें तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। तो क्या अपनाते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक, तो हमने देख रहे हैं कि सबसे पहले ए के बारे में बोल रहा है कि ए ने चार दिन बाद कार्य छोड़ दिया और बी के बारे में बोल रहा है कि बी है जो समाप्त होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। एक हम क्या वर्ड देख रहे हैं, बाद देख रहे हैं। क्या वर्ड देख रहे हैं, बाद और पहले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे क्या रहे, बाद रहे और पहले रहे और काम को छोड़ रहे हैं, तो हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, तो बाद और पहले। तो बाद और पहले, बाद मतलब क्या होता है, आफ्टर, इंग्लिश में आफ्टर होता है। आफ्टर मीन्स माइनस और बिफोर, पहले मतलब बिफोर, बिफोर मीन्स प्लस। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है कि कोई आदमी आपको छोड़ रहा हो बाद में, यानी चार दिन काम कर रहा है उसके बाद काम छोड़ा, यानी समाप्ति के होने के चार दिन पहले काम छोड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाद लिख दिए, बाद मीन्स माइनस और पहले पहले मीन्स प्लस। हम लोग क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग अब सोल्यूशन के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबका लिख दीजिए हम टोटल वर्क, टोटल डे ए बी और सी का। तो ए कितना दिन ले रहे हैं, ए 20 दिन ले रहे हैं, बी कितना दिन ले रहे हैं, बी 24 दिन और सी 30 दिन। तो हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टाइम के एलसीएम लेंगे, यानी 20 24 30 का कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 120, यानी हमारा 120 हमारा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग कि इफिशियंसी निकालते थे, कार्य क्षमता। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी टोटल वर्क कितना 120 डिवाइड बाय 20, यानी 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, ए का 6 आ गया एफिशिएंसी, बी का 5 आ गया और सी का 4 आ गया। ठीक, इतना करना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल वर्क लेना है, टोटल वर्क लिख लीजिए। उसके बाद जिसके साथ लगा रहे, यानी बाद कौन सा रहा है, तो ए ने चार दिन बाद ए ने कार्ड छोड़ दिया, तो बाद किसके साथ लगा हुआ, ए के साथ, यानी बाद मीन्स माइनस, यानी इसका वर्क माइनस करना होगा, माइनस कर दिए, माइनस ए है जो कितना दिन काम कर रहा है, तो ए है जो चार दिन का कितना, तो 4 दिन, यानी 4 दिन का हमको माइनस करना होगा वर्क, यानी ए है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 6 × 4, यानी कितना हो जाएगा, ए है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है और 4 दिन काम करता है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4, यानी 24 वर्क। तो हमने 24 वर्क क्या की, माइनस कर दिए। क्या हम ट्रिक सीखे थे, बात जिसके साथ लगाएगा उसको माइनस कर देंगे, उसका वर्क माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे, पहले लिए, पहले मीन्स प्लस, जिसके साथ पहले लगा उसको हम लोग वर्ड प्लस करेंगे। तो हमने क्या देखा, किसके साथ लगा है, तो बी के साथ क्या लगा, पहले लगा है और 6 दिन, यानी बी है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 5, यानी 30। तो पहले मीन्स प्लस, यानी प्लस कर देंगे, कितना हो गया हमारा, 32 हो गया ना, कितना वर्ड, 5 काम कर रहा है और 6 दिन, यानी 30 हो गया, 30। अब डिवाइड करने आपको इफिशियंसी से, तो इसमें भी समझिए आप, जिसके साथ बाद में लगा रहे उसका हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी नहीं लेंगे, क्या करेंगे, इफिशियंसी नहीं लेंगे, यानी बाद किसके साथ लगा है, तो एक बाद लगा है, हम लोग इफिशियंसी नीचे नहीं ऐड करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो अब किसका लिखेंगे, तो पहले वाला का और जो लगातार काम कर रहा है, यानी ए और बी तो काम को छोड़ दे रहे हैं और सी लगातार काम कर रहा है, तो सी का इफिशियंसी लिखेंगे, लेंगे और किसका लेंगे, जिसके साथ पहले लगा हो, तो पहले किसके साथ लगा है, पहले बी के साथ लगा है, यानी बी का लेंगे, यानी सी प्लस बी का इफिशियंसी लेंगे, बाद वाला का इफिशियंसी नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि माइनस बाद वाला का ट्रिक है कि बाद वाला का हमको जो भी है वो हम इफिशियंसी नहीं लेंगे, एक साथ लगा है बाद, एक साथ क्या लगा है, बाद लगा है, तो एक के साथ बाद लगा है, तो एक का इफिशियंसी कितना था, 6 था, हम लोग 6 नहीं लेंगे, यानी किसका लेंगे, सी का कितना है हमारा, सी का 4 है, सी का 4 है, सी का 4 है और बी का कितना है, बी का 5 है, यानी 4 + 5 लेंगे। यहाँ पे नोट कर लीजिए, बाद आफ्टर मीन्स माइनस और इफिशियंसी डेनोमेटर नहीं लेंगे, और इफिशियंसी नहीं लेंगे, और इफिशियंसी डेनोमेटर में नहीं लेंगे, डेनोमेटर में नहीं ऐड होगा, डेनोमेटर में ऐड नहीं होगा, में ऐड नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं होगा।
किसके साथ, जिसके साथ बाद लगाओ यानी आफ्टर लगाओ, उसका हम लोग क्या करेंगे इफिशियंसी, उसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं लेंगे, इफिशियंसी उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, यानी किसके साथ किसका लेंगे, तो जिसके साथ पहले लगाओ और जो लगातार काम कर रहा, लगातार कौन काम कर रहा है, तो सी लगातार काम कर रहा है, ए और बी तो काम को छोड़ देते हैं लेकिन सी है जो लगातार काम कर रहा है, और जिसके साथ पहले लगा उसका भी हम लोग ले लिए, किसके साथ पहले लगा था बी के साथ लगा था पहले, बी पांच ले लिए यानी 5 + 4 = 9 ले लिए। अब हमारा डे निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 120 - 24 + 30, तो 30 - 24 कितना बच 6 हो जाएगा यानी 120 + 6 यानी 126 / 9, तो करते हैं 3 से 3 * 3 = 12 हो गया, फिर कितना आएगा 14 यानी हमारा कितना आंसर आया 14 दिन आया, कितना आंसर आया था तो 14 days आंसर आया, 14 days आंसर आया। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते ट्रिक को, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए कि कोई काम छोड़ रहा हो तो ये ट्रिक अपना कभी ट्रिक हम लोग लगाएंगे, तो काम छोड़ रहा है ए और बी काम छोड़ रहा है, ए है जो 6 दिन काम करता है, ए है जो 4 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ रहा है, और बी है जो काम समाप्त होने के 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तब हमारा ट्रिक ये यूजफुल होगा। ये ट्रिक कब लगेगा, जब हमें टोटल डेज निकालने के लिए बोले यानी कब काम समाप्त हो वो निकालने के लिए बोले तब हम ये ट्रिक अपनाएंगे। तो पहला ट्रिक का क्या था, बात में माइनस करें और पहले जिसके साथ लगा उसको वर्क प्लस करें, यानी जिसके साथ बात लगा हो उसका हम लोग वर्क माइनस करेंगे और जिसके साथ पहले लगा हो उसका हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या किया सॉल्व कर दिया 120 - 24 कैसे हो गया, तो 4 दिन एक है और एक इफिशिएंसी 6 है यानी एक दिन में 6 काम करता है, और 4 दिन बाद 6 * 4 = 24 माइनस कर दिए, क्यों क्योंकि बाद लगा हुआ था और पहले मतलब प्लस करना, पहले किस साथ लगा हुआ था पहले बी के साथ लगा हुआ था, बी है 1 दिन 5 काम करता है और 6 दिन काम करता है यानी 30 हो गया। हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 126 आ गया, डिवाइड में इफिशिएंसी से हम लोग को डिवाइड करना है, तो इफिशिएंसी किसका लेंगे जिसके साथ पहले लगा हो और जो लगातार काम कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार नोटिस क्या करना था, जिसके साथ बाद लगा हो उसका हम लोग इफिशिएंसी डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारा ट्रिक था, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।